महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ की उम्मीद, यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी कतारें खत्म न हुई। BISP और पंजाब हुकूमत के रमजान निगेबान पैकेज के काउंटर कायम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन का काउंटर पर रश में इजाफा। माड़े बंदे आए ना इतने रोजी कमान, उन्होंने राशन इतने दे दे, ड्रेस तो उतों को है जी, हूँ किराया भर दो 5-6 हज़ार उतो राशन लैन जाओ। ये तो कोई बात ना हुई ना, जिनके हवाले आपने राशन किया वो उनको अगर देखें यहाँ पर कि वो सही हकदार लोगों को दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जरा नजर डाले। माह सयाम में भी महंगाई माफिया की मनमानियां जारी, मार्केट में सब्जियों और फल मनमाने निरखों पर फरोख्त होने लगे। लहसुन 780, अदरक 700, प्याज 200, टमाटर 150, नींबू 120 रुपए किलो फरोख्त, फूल गोभी 180, बैंगन 150, मटर 100, आलू 90 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, अमरूद 300 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर और अंडे आम आदमी की कुव्वत खरीद से दूर होने लगे, मुर्गी के गोश्त की कीमत 563 रुपए फी किलो बरकरार, जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 374 पर चून रेट 388 रुपए किलो मुकर्रर, फार्मी अंडों की कीमत 269 रुपए फी दर्जन बरकरार, मार्केट में अंडों की पेटी 7950 रुपए में दस्तयाब। और पंजाब हुकूमत ने तलबा को 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास, साल 2023-24 के सालाना और ज़िमनी बजट की मंजूरी की तौसीक कर दी गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल में ट्रायल की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का ट्रायल बुनियादों पर आगाज किया जाएगा।